दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने सीखा कि लक्ष्य क्यों जरूरी है, एक टारगेट क्यों जरूरी है। और हमने इसके अगले पार्ट में कहा था कि ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य क्यों नहीं बनाते। आई डोंट मोर पीपल सेट गोल्स। इसके कई कारण हैं, जिनमें से कुछ हम आपको बताएंगे। पहला कारण है एक निराशावादी नजरिया, निराशावादी सोच। संभावनाओं की बजाय हमेशा रास्ते की बाधाओं को देखना, ये सबसे बड़ा कारण है, पहला कारण है। दूसरा कारण है फेल हो जाने का डर, असफलता का डर, फियर ऑफ फेल्योर। अगर मैं नहीं कर सका तो क्या होगा। लोगों के अवचेतन मस्तिष्क में ये विचार रहते हैं, अगर वो लक्ष्य बनाएं और उन्हें हासिल न कर पाए और वे फेल हो गए। दूसरी तरफ ये सोचते कि अगर वे लक्ष्य ही न बनाएं और उन्हें हासिल ही न कर पाए तो वे फेल नहीं हुए। अगर ऐसे लोगों की शुरुआत ही असफलता से होती है, फेलियर से होती है। अगला पॉइंट है इच्छा या अभिलाषा की कमी, एक डिजायर, बर्निंग डिजायर, एक लैक ऑफ एम्बिशन। ये हमारे जीवन मूल्यों का नतीजा है और साथ ही साथ एक भरपूर जिंदगी जीने की इच्छा का अभाव। हमारी बंद दिमागी हमें आगे बढ़ने से रोकती है। एक मछुआरा था जो जब भी कोई बड़ी मछली पकड़ता तो उसे वापस नदी में फेंक देता था और सिर्फ छोटी मछलियों को अपने पास रहने देता था। उसकी इस अजीब हरकत को देखकर एक आदमी ने उससे पूछा, वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो मछुआरे ने जवाब दिया, मेरी कढ़ाई बहुत छोटी है। बहुत से लोग जीवन में सफलता इसलिए नहीं प्राप्त कर पाते क्योंकि वे उस मछुआरे की तरह छोटी कढ़ाई लेकर ही घूमते हैं। ये बंद दिमागी है। अगला पॉइंट से चौथा नंबर, अस्वीकार किए जाने का डर, ए फियर ऑफ रिजेक्शन। लोग रिजेक्शन से घबराते हैं। अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो लोग क्या कहेंगे, अगर ऐसा नहीं हो पाया तो क्या कहेंगे, वैसा नहीं हो पाया तो क्या कहेंगे। ए फियर ऑफ रिजेक्शन सबसे बड़ा कारण। अगला कारण है टाल मटोल। कभी ना कभी तो मैं अपना लक्ष्य बनाऊंगा, कभी ना कभी तो ये मैं करूंगा, कर लूंगा क्या, कौन सा भागा जा रहे हैं, कौन सा हम भागे जा रहे हैं। ये इच्छा के अभाव की तरह ही है। अगला पॉइंट है कमजोर स्वाभिमान, लो सेल्फ स्टीम। जब इंसान अपनी अंदरूनी शक्ति से नहीं चलता और जीवन में प्रेरणा का अभाव होता है, मोटिवेशन का अभाव होता है, तो ये कमजोर स्वाभिमान को दिखाता है। सातवां पॉइंट है लक्ष्य के महत्व को ना समझना, इग्नोरेंस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्स। किसी ने उन्हें इसके बारे में सिखाया नहीं और उन लोगों ने कभी लक्ष्य के महत्व को समझा ही नहीं। और सबसे लास्ट पॉइंट है लक्ष्य कैसे बनता है, इसकी ज्ञान की कमी होना है, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट गोल सेटिंग। लोग लक्ष्य बनाने के तरीके को नहीं जानते, उन्हें एक साफ नक्शे की जरूरत होती है जिसे वे गाइड बनाकर अपना सकें, एक प्लान बना के अपना सकें। लक्ष्य बनाना एक के बाद एक उठाए गए कदमों का नतीजा है। जब आप ट्रेन का टिकट खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है जहाँ से आप यात्रा शुरू कर रहे हैं, उसकी कीमत लिखी होती है, डिस्टिनेशन लिखा होता है, दूरी लिखी होती है, यात्रा शुरू करने की तारीख लिखी होती है, क्लास ट्रेवल लिखा होता है, टिकट समाप्ति की तारीख लिखी होती है। अगर आप लोगों से ज़िंदगी का कोई एक बड़ा मकसद बताने को कहें तो शायद आपको स्पष्ट अस्पष्ट जवाब देंगे, जैसे कि मैं सफल होना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, अच्छा जीवन गुजारना चाहता हूँ, और यहीं रुक जाएंगे। ये सभी कोरे सपने हैं और इनमें से कोई भी लक्ष्य साफ नहीं है। लक्ष्यों को स्मार्ट होना चाहिए। दोस्तों, हम स्मार्ट क्या है, लक्ष्य स्मार्ट कैसे हों, इसके बारे में हम इसके अगले पार्ट में बात करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और हम आगे आपको बताएंगे इसके सेकंड पार्ट में कि लक्ष्य को स्मार्ट कैसे बनाएं।
मिलते हैं ऐसे ही एक शानदार वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद।